रबी शराहली सदरी व यसरली अमरी वाहलू लुगदतम मिल लिसानी यफ़क़हू क़ौली रबी ज़िदनी इल्मा रबी ज़िदनी इल्मा रबी ज़िदनी इल्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये ग्रेड 10 स्टूडेंट्स बेटे थ्योरम 4B। इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली, लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस एक्सटर्नली, इन दिस वी हैव टू डिस्कस ईच अदर इंटरनली। Then the point of contact lies on the line segment. Point of contact mean वो जो आपस में point पे contact कर रहे हैं, through their centers and distance between their center is equal to the difference of their radii. ठीक है, अब simply मैं आपको बता देता हूँ, two circles are there. First circle का center है D, second का F है, ठीक, और वो कह रहे हैं कि उनका जो center का एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, उनका जो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर है ना, वो क्या है, डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई, यानी कि डी सी और एफ सी को माइनस करें तो डी एफ आ जाता है। ठीक है, उसी तरह दो सर्कल्स हैं, एक टेंजेंट ए बी इनको टच कर रहा है सी पॉइंट पर। अब हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। गिवन इज टू सर्कल्स टचिंग इंटरनली एट सी सो दैट सी डी एंड सी एफ आर द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स। ठीक है, सी डी एंड सी एफ आर द रेडियाई। टू प्रूफ हमें क्या करना है, डी एफ इज इक्वल टू मेजर एंगल डी सी माइनस सी एफ, मेजर एंगल डी एफ ये हमने फाइंड करना है। तो ये क्या होगा, डी सी माइनस सी एफ। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ड्रॉ ए सी बी एज कॉमन टेंजेंट टू द पेयर ऑफ सर्कल एट सी। वो जो मैंने आपको बताया, एक सर्कल के एंड के ऊपर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया ए बी। प्रूफ में है स्टेटमेंट ए सी बी, इसको गौर से देखें, बड़ा सिमिलर स्टेप्स चलेंगे, आपको समझ आ जाएगी। ए सी बी इज अ कॉमन टेंजेंट एंड सी डी इज अ रेडियल सेगमेंट ऑफ फर्स्ट सर्कल। ठीक है, सी डी ए सी बी वो कह रहा है कॉमन टेंजेंट है, और सी डी जो सा है वो क्या है, रेडियल सेगमेंट ऑफ फर्स्ट सर्कल। ये बड़ा सर्कल है ना, इसका रेडियल सेगमेंट क्या है, सी डी। ठीक है, अच्छा, therefore मेजर एंगल ए सी डी इज 90 degree। ए सी डी, ए सी डी, ये देखें 90 degree बन रहा है ना, तो 90 degree क्लियर। रीजन इज रेडियल सेगमेंट सी डी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन ए बी, क्लियर। सिमिलरली ए सी बी इज अ कॉमन टेंजेंट एंड सी एफ इज अ रेडियल सेगमेंट ऑफ सेकेंड सर्कल। ए सी बी इज अ कॉमन टेंजेंट, अब ये देखें सिमिलरली ए सी बी इज अ कॉमन टेंजेंट एंड सी एफ इज अ रेडियल सेगमेंट ऑफ सेकेंड सर्कल। ये देखें ए सी बी कॉमन टेंजेंट है, पहले हमने सी डी की बात की थी, अब हम सी एफ की बात कर रहे हैं, एंड सी एफ इज अ रेडियल सेगमेंट ऑफ सेकेंड सर्कल, क्लियर। ये हमने लिख दिया, देयरफॉर ए सी एफ इज 90 degree। जैसे पहले हमने कहा था ए सी डी इज 90 degree, अब हमने कहा ए सी एफ इज 90, ये भी 90 degree है ना, इसको हमने इक्वेशन 2 कह दिया। रीजन सेम वही, रेडियल सेगमेंट सी एफ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन ए बी। अब आपने क्या किया, दोनों को ऐड कर लिया, ए सी डी, अच्छा ये देखें ए सी डी भी 90 है और ए सी एफ भी 90 है, इसका मतलब है ये दोनों भी आपस में 90 होंगे ना, तो ए सी डी इज इक्वल टू ए सी एफ इज इक्वल टू 90 degree यूजिंग 1 and 2। आपने अब यहाँ से एक चीज़ देखी, वेयर ए सी डी एंड ए सी एफ coincide each other with point F between D and C. अब मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, where ACD and ACF coincide each other with point F between D and C. अब ये डायग्राम से देखें आप, वो कह रहे हैं ACD and ACF coincide. Coincide का मतलब होता है जो अब एक दूसरे के साथ मिल रहे होते हैं, और वो कह रहे हैं इसमें F पॉइंट जो है वो C और D के दरमियान लाई कर रहा है, क्लियर। चले अब यहां से देखें, हेंस डी सी इज इक्वल टू डी एफ प्लस एफ सी। डी सी, अब ये देखें वो कह रहा है कि डी और सी किसके बराबर है, डी एफ प्लस एफ सी के बराबर है ना, ठीक है। तो अब यहां से हमने जो प्रूफ करना था वो ये देखें, टू प्रूफ था डी एफ हमने फाइंड करना है, तो हम डी एफ को सेपरेट कर लेते हैं, डी एफ को हम इधर ही रहने देते हैं, कि एफ सी जो है लेफ्ट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, ये डी एफ इधर आ गया, और हमने जो प्रूफ में लिखा था, हमने डी एफ को लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ था,
तो हम इसको लिख सकते हैं, और डी एफ इज इक्वल टू, ये सारी साइड आप राइट साइड पे ले जाएं, टी सी माइनस एफ सी, और यही हमने प्रूफ करना था बेसिकली। सो दीज आर टू इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, फर्स्ट रिगार्डिंग एक्सटर्नली टचिंग एंड दिस वन इज टच इंटरनली। कीप लॉट ऑफ प्रैक्टिस, डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस। टिल नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।